तो स्वागत है सभी का नए दिन नए व्लॉग में। वैसे शाम का समय हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि इंडिया गेट का रात को झलक देखने जा सकते हैं। हालांकि कल का व्लॉग देखा होगा जिसमें हम ताजमहल देख के आए, उससे पहले हम लोटस टेंपल गए थे भाई फर्स्ट टाइम, तो बढ़िया तो रहा। और अभी सोच रहे हैं, थोड़ा तैयार वैयार हुए हैं, पहले तो जरा अपना पार्क चलते हैं, थोड़ा वॉक और जॉगिंग करने। भाई देखो भाई, हम नीचे तो आ गए अपने अपार्टमेंट के। ये बढ़िया मौसम दिखता हुआ इस समय, और अभी हम अपना यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वैसे यहाँ पार्क के गेट पे तो भाई पहुँच गए हैं, थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं यहाँ से। भाई ये देखो अपना यहाँ पे जैसी हम अंदर है भाई, बढ़िया पार्क बना हुआ। और अगर समय का बात करें तो भाई 6:06 का समय हो रहा है शाम का, तो बढ़िया है एकदम। और सोच रहे हैं यहाँ थोड़ा अपना वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, बढ़िया रहेगा अपना, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। ये देखो भाई, यहाँ चलते चलते दिख रहा है कुछ नए झूले भी लगे हुए हैं, बच्चे मज़े ले रहे हैं। और यहाँ पे भाई स्विंग्स भी देखो ठीक ठाक लगी हुई, बच्चों के लिए, लोगों के लिए भाई, तो एंजॉय करने के लिए बढ़िया फैसिलिटी है भाई वैसे यहाँ पार्क में भी। और ऐसे देखो यहाँ भाई ग्रीनरी तो बढ़िया है, और बीच में ऐसे बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है एकदम। देखो भाई यहाँ पेड़ के पास हमें यहाँ पे सिट्रस मिली बग्स भी दिखते हुए, ये देखो भाई सफ़ेद कलर के बग्स। यहाँ हम रुके हैं ज़रा, ये देखो यहाँ पे भी दिखते हुए भाई इनके अंडे। ये देखो भाई सामने वाली पेड़ की डाल में भी दिखते हुए, और थोड़ा जूम आउट करो तो यहाँ बढ़िया ऐसे लटकने के लिए भी बना रखा है भाई। तो ये सब देखते देखते भाई हम अपना बढ़िया वॉक तो कर ही रहे हैं। तो देखो इस वाले पार्क के गेट से अब हम बाहर भी आ चुके हैं और चलते हैं थोड़ा आगे। और यहाँ भाई जरा हम अपना चाप लेने आए हैं, ये लो भाई अपनी मलाई चाप और अपनी रुमाली रोटी और थोड़ा चटनी प्याज, और चलते हैं भाई अपना अपार्टमेंट की ओर। और जैसा बताया भाई, थोड़े समय में अपना इंडिया गेट देखने निकलेंगे, ठीक ठाक समय बाद ट्राई करेंगे, झलक दिखा पाए कैसा लगता है भाई, हम भी एक्सपीरियंस तो करेंगे और हमारे साथ एक्सपीरियंस करना ही। फाइनली भाई अब हम अपना निकलते हैं, चलते हैं भाई पहले तो लिफ्ट से नीचे। तो यहाँ भाई नीचे तो हम आ गए हैं अपना अपार्टमेंट की बिल्डिंग के, और यहाँ हमारे साथ बन्नी भैया और हनी भी जुड़े हुए हैं आज नज़ारा देखने के लिए। भाई राइट साइड में क्या खूबसूरत अक्षरधाम का भी नज़ारा दिखता हुआ लाइटों के साथ एकदम। और अब थोड़ा रास्ता भी देखते हैं भाई। तो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पार्किंग में तो आ गए इंडिया गेट की, और जस्ट हमारे पीछे झलक दिख भी सकती भाई वो रहा। ये देखो भाई यहाँ सामने झलक दिखती हुई, ये देखो भाई यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ अभी हम आगे आगे जा रहे हैं, यहाँ अलग अलग दुकानें स्टॉल्स की झलक भी अभी दिखती हुई भाई यहाँ पे, ये देखो मस्त वाह। और भाई थोड़ा बदल सा गया है यहाँ पे, क्योंकि दोबारा आई थिंक बनाया गया है, थोड़ा और मॉडिफाई करा गया है यहाँ का जो एरिया है। ये देखो यहाँ हम आगे आ गए हैं, और यहाँ बढ़िया भाई एकदम कलरफुल पानी भी दिखता हुआ, जो लाइट लगी हुई है भाई। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा आगे जाके दिखाएं तो ये देखो भाई यहाँ से भी नज़ारा दिखता हुआ इंडिया गेट का। इधर देखो भाई यहाँ मस्त भेलपुरी से पूरी गोलगप्पे भी दिखते हुए चमकदार हैं, लाइटें भी दिखती हैं। और यहाँ भाई बढ़िया ब्रिज भी बनाया हुआ है देखो, जिसपे अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं। और यहाँ से भी भाई ये देखो मस्त नज़ारा दिखता हुआ, जो लाइटें लगी हुई हैं अलग अलग जगह दोनों तरफ भाई, बीच बीच में फाउंटेन भी लगा रखे हैं, और देखो सामने गाड़ियों में लाइटें भी लगा रखी है। यही भाई नीला पानी देखते देखते और यहाँ नज़ारा देखते देखते अभी हम और आगे चलते हैं भाई। मस्त एकदम कंस्ट्रक्ट हो रखा है यहाँ का एरिया, और आगे भी जनता दिखती हुई। ये देखो भाई यहाँ लोग अलग अलग खिलौने भी लेते हुए दिख सकते हैं, लेके घूम रहे हैं लोगों के लिए भाई, और बच्चे खरीद भी सकते हैं। थोड़ा हम और आगे जाते हुए यहाँ जो पार्क
बना है, देख सकते हैं भाई लोग चटाई डाल के बैठे भी हुए हैं, बढ़िया अपना इंजॉयमेंट चलता हुआ भाई, मज़ेदार एकदम बढ़िया नज़ारा भाई यहाँ पूरा। और भाई यहाँ देखो सामने पूरा इंडिया गेट का व्यू दिख रहा है और आ चुका है भाई, और आगे चलते हैं बीच में ज़रा। तो बढ़िया है भाई, ठीक ठाक समय बाद आए हैं, बचपन में भी आए हुए हैं और कॉलेज में भी एक बार आए हैं शायद, तो भाई बढ़िया है। और जैसा बताया अभी मॉडिफाई भी हो गया है भाई यहाँ का एरिया भी। ये देखो भाई यहाँ बीच में हम आते हुए सामने एकदम राष्ट्रपति भवन भी है भाई वहाँ पे अपना बढ़िया, और यहाँ पे भाई अपना इंडिया गेट, वाह तो मस्त है भाई एकदम खूबसूरत नज़ारा दिखता हुआ, सिमेट्रिकल जो लाइट्स हैं और इंडिया गेट में भारत का जो झंडा है भाई उसकी भी झलक दिख सकती है अलग अलग रंग से, हमारे मुंह पे भी फ्लैश आ रहा है क्योंकि लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, तो बढ़िया है भाई। हाँ भाई बबल्स भी एकदम दिख सकते हैं, ये देखो मस्त, और यहाँ पे फोटोग्राफर भैया भी हैं भाई, हम सोच रहे हैं फोटो भी खिंचा ली जाए उनसे। और मस्त भाई कलर भी चेंज होता रहता है मस्त अपने इंडिया गेट का, अलग अलग रंग दिखते हुए भाई, बहुत ही सुंदर नज़ारा सामने देखो, थोड़ा जूम इन भी करते हैं भाई, ये देखो मस्त। तो भाई अभी यहाँ पीछे इंडिया गेट के साथ हम लोग बढ़िया अलग अलग पोज में फोटो खिंचाए, ग्रुप में भी और सिंगल भी भाई, डालेंगे इंस्टाग्राम पे भी अभी, तो आगे और चल के पहले फोटो कलेक्ट करनी है भाई। ये देखो यहाँ से भाई आगे आगे जाते हैं हम यहाँ पे अपना सीधा जहाँ हमें हमारी जो फोटो है वो मिलेगी भाई, और जहाँ नज़र जा रही है वहाँ भाई बढ़िया बढ़िया लाइटें तो दिख ही रही हैं। चलो थोड़ा पार्क में, ये देखो भाई यहाँ पार्क का भी थोड़ा माहौल, और ऊपर पैराशूट भी भाई एकदम लोग चलाते हुए बच्चे खेलते हुए भाई उससे भी। तो भाई यहाँ भैया ने हमारी बहुत ही तगड़ी फोटो ली है और एक वीडियो भी बनाई है जिसकी रील मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा। थोड़ा यहाँ आ जाते हैं लाइट में। भैया अपना नाम बता दो। भाई मेरा नाम निशान है। निशान भाई मेरा नाम निशांत है, और बढ़िया है भाई, नाइस टू मीट यू भैया। और इनसे भाई आए यहाँ फोटो खिंचाए, बहुत ही तगड़ी लेते हैं यहाँ पे, और बढ़िया रील बनाई है भैया। चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू भैया, अच्छा लगा मिलके। चलो बाय। और यहाँ देखो भाई चलते चलते हम इधर देखो, यहाँ कर्तव्य पथ बैरिकेड पे भी लिखा हुआ है भाई, यहाँ आ चुके हैं देखो, और यहाँ से भी बढ़िया इंडिया गेट का नज़ारा दिखता हुआ, थोड़ा जूम इन करते हैं भाई मस्त, ये देखो बहुत ही सुंदर भाई, और जूम इन करते हैं, ये देखो सामने भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी खूबसूरत स्टैचू दिखता हुआ। तो यहाँ से भाई नज़ारा देखते देखते अब हम यहाँ चलते हैं, ये देखो भाई दोनों तरफ मस्त लाइटिंग लगी हुई है, लोग फोटो खिंचाते दिख सकते हैं और घूमते हुए भी दिख सकते हैं भाई। यहाँ चलते चलते सामने भाई बढ़िया चांद भी दिखता है, और यहाँ पे सोच रहे थोड़ा भेलपूरी खाई जाए भाई, अपनी बढ़िया भेलपूरी भी आ चुकी है एकदम, देखो भाई भेलपूरी तो हमने बढ़िया खाई, ठीक ठाक स्पाइसी थी, बोली भी थी और वैसी ही थी भाई। अभी हम जरा दूसरी तरफ भी थोड़ा आगे देखने जा रहे हैं, ये देखो भाई यहाँ पे भी बैरिकेडिंग दिख सकती है, और सामने राष्ट्रपति भवन की झलक भी दिखती हुई भाई, बढ़िया एकदम सिमेट्री। ये देखो भाई यहाँ हम दूसरी तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे भी भाई दिख सकता है दोनों तरफ पार्क हैं, ये देखो सामने ऐसे खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं, लोग जो हैं वो लेके घूमते हैं। यहाँ जीप भी भाई दिख सकती है बच्चों के लिए चलाने के लिए, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है भाई, बाइक भी चला सकते हो, पैराशूट भी उड़ते हुए दिखते रहते हैं बीच बीच में वैसे, और भाई चांद तो इतना खूबसूरत दिख ही रहा है, और मस्त इस लाइटिंग में भाई देखते रहो घूमते रहो। और यहाँ से भी भाई थोड़ा जूम इन करके दिखाने का ट्राई करते हैं, ये देखो मस्त भाई पुलिस की बाइक भी घूमती है भाई, अब तो गुजरते हुई पुलिस भी यहाँ पर बाइक में उतर चुकी हैं, और अब हम यहाँ पे कुछ लोगों को हटाती हुई भाई, लगता है बंद होने का समय भी हो गया या होने वाला है, तो हम भी चलते हैं। देखो भाई यहाँ के भी अब स्टॉल्स थोड़े थोड़े ऐसे हटते हुए, और यहाँ पे भाई ये देखो पैराशूट दिखता हुआ मस्त। अच्छा 10 बज गए ना भाई, तभी देखो तभी हमारे बगल में पुलिस की गाड़ी भी घूमती दिख सकती है, क्योंकि क्लोजिंग टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है। ये देखो भाई यहाँ ऐसे गुड़िया के बाल भी दिखते हुए मिलते हुए, ये देखो भाई पैराशूट लॉन्च हो चुका है मस्त, और यहाँ पे हमें बबल्स भी दिखते हुए भाई। जरा हमने यहाँ बबल्स लिया है, तो थोड़ी उसकी जरा टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ खोल के, भी इससे बबल्स निकलते कैसे हैं, तो थोड़ा ट्राई करते हैं भाई कि इससे अगर हम बबल्स बना पाएँ। तो ये हमने लिक्विड तो थोड़ा डाल दिया है यहाँ पे, और थोड़ा सा डिप करना है ना, टच करना फिर से, टच किया, वाह बढ़िया, क्या टच किया आपने, अच्छा फिक्स कर दिया, चलो दोबारा करते हैं भाई, ये देखो
वाह यार मस्त बबल्स निकल रहे हो भाई। अच्छा फिर से अब भैया आप ऐसे रीटेक ले बढ़िया भाई फिर से एक बार और चलो इसी बार मस्त सही बोले। इसको चालू कैसे किया आप उसको दबा दिए है ना वो ऐसा तो जाली बाहर आ रही थी। अच्छा 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 बढ़िया भाई बढ़िया टेस्टिंग हुई है बबल्स की हम ले रहे हैं मस्त आइटम। तो भाई उन भैया का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये दिया भाई बचपन की यादें ताज़ा हो गई और पैराशूट देख के भी जब हम बचपन में आया करते थे तो भाई दिखा करता था ऐसे अलग अलग खेल खिलौना मज़ा आ रहा है पीछे भी दिख सकता है। अब हम यहाँ से चलते हैं चलो भाई ये देखो यहाँ पे भी कुछ दुकानें दिखती हुई और सीधा सीधा अब हम चलते जा रहे हैं जिस रास्ते से हम आए थे भाई मस्त लगा एकदम भाई मज़ा आया। ये देखो यहाँ स्वीट पान चॉकलेट पान भी दिखता हुआ रंगीन पानी भी दिखता हुआ मस्त भाई और अपना इंडिया गेट का झलक भी दिखता हुआ। चलो भाई यहाँ देखो भाई यहाँ से भी अलग अलग दुकानें निकलते हुए हमें दिख रही हैं जब हम अपना पार्किंग की ओर जा रहे हैं भाई। और ये देखो भाई यहाँ गाड़ी देखते देखते भी हम अपना पार्किंग तक पहुँच गए हैं ऐसे चलाते हैं भाई बाइक बढ़िया। तो हम भी बस भाई अपना गाड़ी तक तो पहुँच गए तो अब हम चलते हैं भाई यहाँ से भाई जाते जाते भी बढ़िया झलक दिखती हुई यहाँ से इंडिया गेट की मस्त। और हम भाई अपना वापस रूम पे आ चुके हैं आई होप हमारे साथ आज इंडिया गेट का पूरा ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा भाई अलग अलग चीज़ें दिखी। अगर टाइमिंग का बात करें तो 10 बजे के आसपास भाई क्लोजिंग होने लगता है जैसा दिखा होगा कि पुलिस भी आ गई थी लोगों को भी भेज रहे थे और वहाँ पे जो स्टॉल्स थे उनको भी भाई थोड़ा मूव करा रहे थे। और भाई जो नया कंस्ट्रक्शन लगा क्योंकि इंडिया गेट के आसपास जो एरिया है पहले क्या होता था कि जैसे सड़क है राइट तो उसी से हम क्रॉस करके जाते थे देखने अब एक ना अंडरपास भी वहाँ बन रखा है लोगों के जाने के लिए हमें उसका झलक भी दिखा था जाते वक्त और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है तो लोगों की जो पहले कंपेरेटिवली भीड़ लगती थी राइट सड़क पे ही और ट्रैफिक ब्लॉक भी हुआ करता था कभी कभी तो भाई वो भी आई थिंक काफ़ी कन्वीनियंट हो गया क्योंकि लोग अब नीचे से भी जा सकते हैं इंडिया गेट के करीब तक जो पार्क हम वहाँ बैरिकेड के पास पहुँच के भी दिखाए थे तो बढ़िया लगा भाई। और अलग अलग प्रकार की जो लाइटें देखने को मिली है पूरा भाई चमक रहा था इंडिया गेट उसकी लाइट भी चेंज होती रहती है भाई जैसे बीच बीच में तिरंगे के कलर में फिर अलग अलग रंगों में तो भाई बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। जैसा हम बताए कि हम बचपन में भी भाई गए हुए हैं एक बार कॉलेज के समय भी गए हैं तो भाई यादें तो अपनी ताज़ा हुई जैसे लोग अलग अलग खेल खिलौनों से खेलते रहते हैं चाहे वो पैराशूट हो चाहे बबल्स हो और अलग अलग प्रकार के वहाँ और खेल भी दिखे जो बाइक लोग चला सकते हैं राइट तो मज़ा तो आया भाई ये सब देख के लोग अपने घर परिवार के साथ आते हैं और हम भी भाई रिकमेंड करेंगे अगर जा सकते हो तो जाओ नहीं तो हमारे ब्लॉग के माध्यम से मज़ा भी आया होगा और एक्सपीरियंस भी देखने को मिला होगा। तो यही था भाई आज के दिन के लिए आज के ब्लॉग के लिए सभी का धन्यवाद करते हुए आज के ब्लॉग का अंत और समापन करते हैं। बाकी तो पता ही है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा टाइम लगता नहीं बाय बाय चाओ चाओ नमस्ते चलो नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस देख ही सकते हो चाहे इंडिया रिलेटेड ब्लॉग्स हो चाहे जर्मनी ट्रैवल ब्लॉग्स हो चाहे स्विट्जरलैंड ट्रैवल ब्लॉग्स हो तो जब टाइम मिले जब समय मिले तो देख ही सकते हो बाय बाय।